रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आ रही दिक्कतों को ठीक करने में किचन बहुत बड़ा योगदान अदा करता है। लोग कहते हैं ना, कुछ खिला दिया, पिला दिया, पता नहीं कैसा कुछ करा दिया, चीनी के डब्बे में दो लौंग इस प्रकार डाल देना और फिर देखना तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध अब सिर्फ तुम्हारा होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, शादी के पहले, शादी के मिड में, शादी के बाद में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में, लव में, रिलेशनशिप में, कहीं भी प्रकार की किसी भी दिक्कत में लव विद एस्ट्रोलॉजी हमेशा प्राथमिकता पर आपके साथ खड़ी है। हम लोग पिछले 20-21 सालों से आपके लिए सहयोग कर रहे हैं और अभी तक जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। वो रिसर्च, वो ग्रंथ, वो पुराण, वो वेद, वेदांत की बातें, वो उपनिषदों के अंदर के प्रबल त्याग के संदर्भ पर की हुई रिसर्च आपको सहज, सरल, साधारण भाषा में बताई जाती है। आज हम कह रहे हैं पाक शास्त्र के संबंध में बहुत सारी मितियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, लेकिन ये बिल्कुल परस्पर है। पारिवारिक प्रेम की बात करें, सौहार्द की बात करें, या आपस में प्रेम की बात करें, ये सब किचन से संबंध रखने वाली चीजें हैं। खास तौर से स्पेशल अगर विश्लेषण लगा करके हम आपको कहें बड़ी स्पेशल बात कहने जा रहे हैं रिलेशनशिप में, लव में, तो ये बिल्कुल भूचाल मचा देने वाली बात है। ये बिल्कुल अद्भुत और इतनी शक्तिशाली और इतनी ज्यादा ताकतवर व्यवस्था है ये कि इससे बड़े बड़े संत, महामलात्मा, दिव्यात्मा, बहुत सारे लोगों को अपने वश में किया गया है। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिलता है कि किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ पिला दिया, किसी ने फलाने व्यक्ति को अपने वश में कर लिया खिलाकर। जो खाने पीने का संबंध है वो सीधा आपकी आत्मा को स्पर्श करता है, इसीलिए हमेशा सारे दानों में से अन्नदान सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है। और सच मानना, बहुत फर्क पड़ता है। किचन घर में जिसके सही नहीं है उसके घर का वास्तु पूरे विश्व में कोई ठीक कर ही नहीं सकता। जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं उन्हें यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका किचन ठीक नहीं है ये 100% सुनिश्चित है। जिनके घर की कमाई बहुत सारी, बहुत बड़ा परसेंटेज कमाई का डॉक्टर लेके जा रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो सावधान, आपके घर में किचन ठीक नहीं है, आपका अन्न दूषित है। अन्न दान करना शुरू करिए और किचन ठीक कराइए। मैं कोई वास्तु नहीं बता रहा हूं, मैं आज आपके प्यार में, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में उमंग भरने की बात करने आया हूं। आज मैं तुम्हारे रिश्ते को सुधारने के बारे में, सुधारने के संदर्भ में बात करने आया हूं। आज मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हारे निजी परस्पर संबंधों के बारे में है। किचन की बड़ी महिमा है,
भैया अगर तुम्हारे किचन में समस्या है तो बीमारी होगी, और बीमारी है तो किचन में समस्या है, एक दूसरे के पूरक है। आपके घर में बरकत नहीं है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है, क्या दिक्कत है? आपके किचन में दिक्कत है। अन्न खाने से आपका मन विचलित होता है, अच्छा अन्न शांत मन, खराब अन्न विचलित मन, अशांत मन। मन का ही तो सारा कंट्रोल है, चाहे प्यार में हो चाहे झगड़े में हो, मन ही सब खराब करता है। हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा ही होगा तेरा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पानी से वाणी, अन्न से मन का सीधा कनेक्शन है। किचन के एक एक मसाले से कई कई सौ उपाय बताए जा सकते हैं, इतनी 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 सारी चीजें लिखी पड़ी है। आज मैं बहुत भ्रमित नहीं कर रहा हूं तुम्हें, चीनी के डब्बे में दो लौंग डलवा रहा हूं, सामग्री के नाम पर अतिरिक्त में सिर्फ तुम्हें दो लौंग चाहिए, घर के ही किचन में जो चीनी का डब्बा है उसमें मात्र आपको डालना है। लेकिन ये विधि, ये सिस्टम, ये व्यवस्था थोड़ा सा आपको अंतरंग करने की है। चीनी शनि और शुक्र दोनों ग्रहों को रिप्रेजेंट करती है। चीनी भगवान पर चढ़ाते समय लोग शन्नो देवी रविष्ठया भवंत पीतये वेद का इस मंत्र को उच्चारण करते हैं। चीनी के लिए कहा गया है सरकरा, संस्कृत में चीनी को सरकर कहते ना, सरकरा पुष्टिकारिका, कहते हैं सरकर पुष्टता देती है। जिस चीज में न्यूनता हो, कमजोरी हो, जहां पर ताकत की कमी आ रही हो, वहां चीनी चीनी ताकत बढ़ाती है। बहुत अधिक हो जाए तो नुकसान भी करती है। चीनी का और प्यार का अपना बड़ा संबंध है। साहित्य को समझने वाले लोग, उन लोगों को ये बात पता है कि चीनी हर हाल में प्यार को और रिश्तों को बेहतर बनाने का साधन है। कोई आ जाए तो अतिथि सत्कार में पहले लोग चीनी से शुरुआत करते थे, चीनी या गुड़, फिर धीरे धीरे उसके व्यंजन बनने लग गए। आज मैं फिर तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे घर के ही किचन में चीनी के डब्बे में दो लौंग डाल देने से तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध और तुम्हारा प्यार एकदम ठीक हो सकता है। बच्चों, सामग्री की बहुत आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है मनन की, चिंतन की और गुरु भक्ति की। क्योंकि उपाय बहुत छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है गुरु का आदेश। कहा किसने है ये कर लो जाकर? जब कोई भी उपाय गुरुमुख से आता है तो वो उपाय ताकतवर हो जाता है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्ते गुरुजी। सबसे पहले तो आपके चरण स्पर्श और एक बड़ा सा थैंक यू बोलूंगी। लाइफ में इतने सारे रंग लेके आए हैं आप खुशियों के। हर चीज जो कभी सोची भी नहीं थी वो भी सब पॉसिबल हो गया है। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में चेंज, फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है, परिवार की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत कुछ अच्छा हो गया है। और आपने मेरी लाइफ में तो जैसे दिन रात जैसे होता है ना, वैसे ही चेंज लेके आए हो, तो उसके लिए थैंक यू। और सबसे लास्ट में बोलूँगी थैंक यू फॉर कम इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच टू यू। आप बहुत खुश रहिए, बहुत आनंदित रहिए,
बहुत सुव्यवस्थित रहिए। आपने अपनी बात को, अपनी भावनाओं को जितनी कुशाग्रता से रखा है वो सब बहुत काबिल तारीफ है। आपकी खुशियां, आपकी प्रसन्नता, आपका बल, आपका पौरुष, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका यकीन, आपका जो निरंतर प्रयत्न है, ये सब उसी का फल है। तुमने जो भी कुछ पाया है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तुमने मुझे चुना, मेरी बताई हुई चीजों को का अनुकरण किया और तुम सफल भी हुए। इन सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च, स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सदगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब हम बात कर रहे हैं उपाय की। दो लौंग चीनी के डब्बे में डालने से आपके रिश्तों में मधुरता आती है, घर में बरकत बढ़ती है, प्यार खिंच कर आता है, संबंधों में एक अलग सी खुशी मिलने लगती है। ये रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का हो, भाई बहन का हो या माता और बेटे का हो या बेटी और माँ का हो, किसी भी रिश्ते में किसी भी संबंध के लिए ये उपाय बहुत आसानी से बड़ी ईमानदारी से किया जा सकता है। अब इसे करना क्या है, बहुत आसान और बहुत सरल तरीका है। आपको इसमें कुछ थोड़े से बूंद शहद चाहिए, थोड़ी चीनी चाहिए और दो लौंग चाहिए और दो सूती धागे चाहिए अपनी हाइट के बराबर के। एक लेफ्ट पैर के अंगूठे से दबा करके सीधा सर तक नाप लीजिए और दूसरा राइट में दबाकर पूरा नाप लीजिए। दोनों तरफ बराबर बराबर की तरफ रखिएगा और सर के बराबर नाप के उन्हें काट कर लीजिए। अब इन दोनों ही धागों में 7-7 गांठ लगा दीजिए और अब करना यह है, एक धागे के दोनों सिरे उठा करके किसी एक लौंग में बांध देना है, दूसरे धागे के दोनों सिरे उठा करके दूसरी लौंग में बांध देना है और इन दोनों मुड़े हुए धागों की तरफ से धागे के आखिरी छोर जो है वहां से उठा करके आपस में बांध देना है, जैसे गठबंधन करते हैं, जैसे दो पति पत्नी का जो शादी विवाह के टाइम पर जिस प्रकार से बांधते हैं बिल्कुल उस प्रकार से। ऐसा करने के बाद आपको इस माले को कम से कम 2-4-5 मिनट 10 मिनट अपने गले में पहनना चाहिए। जब भी आप ये माला पहने तब आपके शरीर पर दूसरा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप एकांत में होने चाहिए और आपने और कुछ भी नहीं पहना हो। इसे पहन करके अपने हाथों को बिल्कुल आसानी से जोड़कर सुखासन में बैठ जाए और आपको बोलना है ओम राधा बल्लभ कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ऐसा बात करना है। इस मंत्र को 7 बार से लेके 108 बार तक जाप किया जा सकता है। अंत में माला निकालकर लौंग के पीछे वाले छोर को शहद में डुबा करके चीनी के डब्बे में डाल देना है। अब ये वो चीनी होनी चाहिए जो आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब इस्तेमाल की हुई चीनी से ही निकाल करके इसे इस डब्बे को आपको बनाना है, लेकिन ये चीनी आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये चीनी इस्तेमाल करेंगे जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए आपने उपाय किया है। जब भी अवसर मिलेगा, अवसर नहीं मिले ये चीनी के अंदर ये लौंग दबी रहेंगी तो भी प्रभाव पड़ेगा, पर अगर बाई चांस कहीं इस चीनी का प्रयोग कर दिया तब तो समझ जाइए आग लग जाने वाली है, बहुत तगड़ा फर्क पड़ने वाला है और बहुत अच्छा
इफेक्ट आता है इसका, अनुभूत प्रयोग है, पूरे मन से पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ करिएगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरना मत, भयभीत मत होना, परेशान मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, जितना हो सके उतना बचिए रोने से, उल्टा सीधा सोचने से और खुद को खराब करने से। प्रीवियस लाइफ बताना बिल्कुल भी नहीं है, हर हाल में पैसों का आदान प्रदान रोक देना है, सिर्फ और सिर्फ खुद का ध्यान देना है। मैं बाकी सब चीजें ठीक करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, आपका प्यार, परिवार, व्यापार, घर, सब 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 मतलब सब। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च, स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सदगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे, विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सदगुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।